तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोटेशन बनानी है। तो कोटेशन कैसे बनाएंगे आप सॉफ्टवेयर में? अब कोटेशन यूज किस लिए होती है? कोटेशन यूज होती है कि अगर आप किसी किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, तो जो भी डीलिंग है आपकी, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी प्राइसिंग है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है, वो खरीदने से पहले, सेल ऑर्डर देने से पहले का एक प्रोसेस होता है कि उस आइटम का, उस सर्विस का जो है, आप पहले से कोट ले लें कि आपको कितने रुपए का मिलेगा, क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप उसे डन करेंगे, तब उसके बेस पे सेल ऑर्डर आपका जनरेट होगा। तो कोटेशन जो है प्राइस के रिलेटेड आप समझ लीजिए, या टर्म एंड कंडीशन से रिलेटेड समझ लीजिए कि उसके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो जो भी आपके साथ पार्टी जुड़ेगी, आप उसको कोटेशन देंगे, कोटेशन में जो है प्राइस, टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीजें जो है आपकी पार्टी वेरीफाई करेगी कि आपके प्राइस ठीक है, आपके टर्म एंड कंडीशन ठीक है, तो फिर वो आपके साथ आगे बढ़ेगी और फिर उसके बाद वो आपको ऑर्डर देगी। तो ऑर्डर देने का फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस फिर आपका सेल ऑर्डर का हो जाएगा। तो अभी क्या है, कोटेशन। तो कोटेशन कैसे जनरेट करनी है आपको? इसके लिए आप ट्रांजेक्शन में आएंगे, ट्रांजेक्शन में कोटेशन और कोटेशन में न्यू। तो सबसे पहले आप डेट एंटर कर, अगर आप भूल गए, सपोज कल किसी को कोटेशन दिया आपने, मैनुअली कोटेशन दे दी, तो कल की ही डेट आप मेंशन करेंगे जब भी आपने पार्टी को कोटेशन दी है। और यदि आप एकदम सिस्टमेटिकली ही देना चाहते हैं उनको कोटेशन, तो करंट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस डेट में भी आपको बनाना। उसके बाद फिर आपकी कौन सी पार्टी है जिसको कोटेशन देना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट पार्टी आपकी क्रिएटेड है। और अगर कोई पार्टी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोटेशन आप जब बनाओगे तो कोटेशन ज्यादातर हमारी नई पार्टी के लिए जाता है, जो पार्टी आपसे जुड़ना चाह रही है। तो नई पार्टी बनाने के लिए F2 प्रेस करके आप एंटर करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स को एंटर करेंगे, जैसे उसका फॉर्म नेम, एड्रेस, उसका GST नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ इस तरह की डिटेल्स को आप ओपन करके सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद आपको पार्टी यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे हमने परचेज में समझाया एक नई पार्टी ऐड करके। तो आपके यहाँ पे पहले से पार्टी क्रिएटेड है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपके सारे आइटम शो हो रहे हैं। तो सपोज मैं पहले आइटम का इनको कोटेशन दे रहा हूँ, तो मैंने एंटर किया, और उसके बाद कितनी क्वांटिटी आप उसको देना, कितनी क्वांटिटी के लिए कोटेशन देना है आपको, और रेट यहाँ पे आपका जो है बाय डिफॉल्ट जो बी सिलेक्टेड है आपका आ गया। अगर आप चाहते हो कि चेंज करना भी चाहते हो यहाँ पे, कि इसको आप 348 का देना चाहते हो और डिस्काउंट रखना चाहते हो उसके लिए, कुछ 2% का हमने डिस्काउंट रख दिया, तो इस तरीके से जो है आप सारे आइटम को लोड कर लोगे। अब हमने ये आइटम लोड कर लिया, उसके बाद हम सेकेंड आइटम ले लेते हैं। अब ऐसे ही सेकेंड आइटम का जो भी बी रेट है वो ऑटोमेटिक लोड हो गया। इसकी 5 क्वांटिटी इनको चाहिए, तो हमने 5 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट दे दिया। डिस्काउंट क्या देना, हमने डिस्काउंट भी बता दिया, ठीक है। डिस्काउंट अगर आपको डालना है तो डिस्काउंट जाता है आपको तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास चॉइस है कि मुझे क्या देना है उसको, क्या रेट देना है, क्या डिस्काउंट देना है, तो ये आपके ऊपर चॉइस है। तो मैं जैसे डिस्काउंट इन्हें नहीं देना चाहता, बस इनके रेट कम कर देता हूँ मैं, तो डिस्काउंट नहीं देना चाहता, पहले आइटम का रेट मैंने इनको कम करके दे दिया। अब ऐसे ही जो है कंटिन्यूसली जितने भी आइटम्स हैं, और भी आइटमों की अगर आपकी डीलिंग हुई, तो और आइटम्स को आप एंटर करते हुए जाएंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल W से सेव करेंगे, जैसे बिल, परचेज बिल सेव करने का जो प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका बिल डिस्काउंट पे आ गया। अगर इस कोटेशन में आप बिल डिस्काउंट भी देना चाहते हैं इनको, तो बिल डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और एंटर एंटर करके आप सेव कर देंगे। और फिर उसके बाद फिर दोबारा एंटर करेंगे और आपका जो है इस तरीके से एक प्रिंट आउट जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपने क्या क्या आइटम दिया है, क्या आपने रेट दिया है, सारी चीजें जो है पार्टी को आप मेल या फिर प्रिंट आउट करके दे सकते हो। अब इसमें क्या है, अब किसी आइटम पे आपको स्पेशली कुछ लिखना है, जैसे कोटेशन में ज्यादातर जो है चीजें देखी जाती है। अब इस आइटम पे आप कुछ अपना कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, कुछ अपना लिखना चाहते हैं कि हाँ मैं इसके साथ ये भी प्रोवाइड करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोटेशन के अंदर जो है कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होती है, आइटम को लेकर भी होती है, पूरे बिल को लेकर भी होती है। तो हम दोबारा से अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला आपका मॉडिफाई था, क्योंकि जनरेट तो हमने कर लिया, अब हमसे एक मिस्टेक हो गई है इसमें, तो उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम इस पे दोबारा से कोटेशन पे आके मॉडिफाई पे आएंगे। अब मॉडिफाई पे जैसे आएंगे हम, उसके बाद आपने कौन सी डेट को जो है कोटेशन जनरेट किया था वो डेट डाल सकते हैं, नहीं तो ऑल टाइम कर देंगे, सारे कोटेशंस आपके सामने आते हैं।
उसका यही पार्टी थी आपकी, आपने एंटर किया और आपने इसको मॉडिफाई कर दिया। अब जैसे कि मैं इनको अपडेट ये करना चाहता हूँ आइटम में, अब मैं ये चाहता हूँ कि आइटम के नीचे ये लिखा हुआ है कि हम आपको जो है अगर आपका स्टॉक नहीं बिकता तो 30 दिन के अंदर हम रिटर्न ले लेंगे। तो इसके लिए जब भी आप क्वांटिटी को एंटर करेंगे तो क्वांटिटी के ऊपर आपको F2 प्रेस करना है। अगर आपको कुछ इसके अंदर रिमार्क डालना है तो उसके लिए F2 प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे F2 किया और F2 करने के बाद आप देखेंगे लास्ट में दो आपको रिमार्क शो हो रहे हैं। तो अब जो भी इसमें लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। तो मैंने इस आइटम पे ही लिख दिया। अब ऐसे ही आइटम वाइज कोई टर्म एंड कंडीशन है कोई रिमार्क है तो डाल सकते हो आप। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ दोबारा से अपडेट करके। ठीक है, तो ये आपके क्या है बिल पे भी फिर शो करेगा। जैसे इस आइटम के अंदर हमने ये दिया हुआ है कि 30 डेज रिटर्न बैक गारंटी है, कि अगर 30 डेज के अंदर वो अगर रिटर्न करते हैं तो हम उसका सामान वापस ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन करके दे दिया। अब इस तरीके से आपके पूरे बिल पे कोई टर्म एंड कंडीशन है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे आएंगे मास्टर में मार्क सेटअप, मार्क सेटअप के बाद यहाँ पे है इनवॉइस टर्म एंड कंडीशंस, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद जो आप टर्म एंड कंडीशन देख पा रहे हैं इसको हटाकर आप वो टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे कि आप इस कोटेशन में 50% एडवांस पेमेंट, और उसके बाद फिर आप एंटर करके या फिर इसको ओके प्रेस कर दें। अब एक बार हम फिर से आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर पूरे बिल के ऊपर कोई टर्म एंड कंडीशन है आपकी, जैसे हमने जो नीचे टर्म एंड कंडीशन है ये हमारे पूरे बिल के ऊपर है, चाहे वो एक आइटम ले चाहे वो 10 आइटम ले, सभी आइटमों के लिए जो है ये एप्लीकेबल है कि 50% उसको एडवांस पेमेंट करना होगा। तो जैसे मैंने ये चेंज किया, ऐसे इसी लोकेशन पे जाके आप इनको भी अपने हिसाब से जो भी कोटेशन में आपकी बात हुई है, जो भी पार्टी से कोऑर्डिनेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो अगर आइटम वाइज कोई डीलिंग हुई है आपकी, ठीक है मैं इस आइटम में आपको 30 दिन का रिटर्न बैक दे दूंगा, या फिर इस आइटम में मैं आपको चलो 2 आइटम ये भी फ्री दे दूंगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आइटम वाइज कोई टर्म एंड कंडीशन है या फिर कोई बिल वाइज टर्म एंड कंडीशन है तो यहाँ पे आप जाके टर्म एंड कंडीशन में डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 50% डाला हुआ है। तो कोटेशन के अंदर जो है जब भी आप किसी को कोटेशन दोगे तो ये दोनों चीजें जो है आपके सामने आएगी कि पार्टी का जो है कुछ आइटम से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा देना होगा उसको, या प्राइस से रिलेटेड कुछ चीजें होगी आपकी, या फिर पूरे बिल से रिलेटेड होगी कि हम जो है आपसे जब भी आप ऑर्डर देंगे तो आपको 2 दिन के बाद डिलीवरी मिलेगी प्रोडक्ट की। तो इस तरह के बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी पार्टी की डीलिंग है आपसे, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पहला प्रोसेस तो कम्प्लीट हो गया कि कोटेशन आपको बनाना कैसे है। तो कोटेशन आपका बन चुका है, अब आपको जो है सेल ऑर्डर उसका जनरेट करना है। तो सेल ऑर्डर जनरेट करने के लिए अब कोटेशन नंबर क्या है, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ ऑटोमेटिक अपलोड हो जाए तो उसका आपको कोटेशन नंबर डालना होगा। तो जैसे इसका कोटेशन नंबर है OT 510 और 4। तो अब मैं आता हूँ ट्रांजेक्शन में कि पार्टी ने आपको जो है सेल ऑर्डर दे दिया है। तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, और न्यू पे क्लिक करेगा तो आप एंटर करेंगे और सेम यही पार्टी है, और यहाँ पे आपने क्या रेट दिया था उसको, बी रेट दिया था, तो बी आपने सेलेक्ट कर लिए। अब उसी के नीचे जो है मेंशन है पार्टी का ऑर्डर नंबर, तो यहाँ जाओ तो कोटेशन नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है, और कोटेशन की डेट आप डाल सकते हो, और यहाँ पे डिलीवरी डेट कि पार्टी ने आपसे ये कहा है कि उसको जो है अगले 5 दिन के बाद उसको ये जो भी ऑर्डर इन्होंने दिया है 5 दिन के बाद उसे चाहिए, तो आप वो डेट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जब भी आप ये ओपन करोगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से शो होगा, तो आप उसको जल्दी से डिलीवर कर पाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अब हम अगर चाहें तो मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें मैनुअल ऐड नहीं करना, हमें तो वो ऐड करना है जो हमने इनको कोटेशन में दिया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी, अब जैसे ही कंट्रोल टी करेंगे और एक बार एंटर करेंगे तो नीचे की साइड में देखिए कोटेशन नंबर है, तो यहाँ पे आप उस कोटेशन नंबर को डाल देंगे जैसे OT 510 और उसके बाद 4।
एंटर करेंगे और उसके बाद यस कर देंगे। अब देखिए इस इसके कोटेशन के अंदर ये दोनों आइटम गए हुए हैं, उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे। अगर क्वांटिटी कम या ज्यादा है तो वो भी आप बता सकते हैं, जैसे 5 का ऑर्डर था लेकिन 5 का हमने इनको कोटेशन दिया था लेकिन पार्टी ने आपको 4 क्वांटिटी के लिए फाइनल किया, और ऐसी 12 का हमने इसको ऑर्डर दिया था, 12 का हमने कोटेशन दिया था और 10 का इन्होंने हमें फाइनल किया। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हैं F10 सेप्स को सेव कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे F10 किया। अब ये यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक लोड हो गया। तो इसको हमने जो भी रेट दिया था वो रेट बी का दिया था, और बी में आपका तो सिलेक्टेड था 50, लेकिन हमने इसको इस कोटेशन के अंदर हमने फाइनल किया था कि 2 रुपए हम इसे और भी कम देंगे, तो 348 का हमने रेट दिया था, 348 यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड हो गया। जबकि रेट बी में आपके आइटम के अंदर कुछ और सिलेक्शन है, लेकिन हमने कोटेशन में उनको फाइनल किया होता कि 348 का हम इनको देंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लोड हो गई। उसके बाद फिर सारा सेम वही प्रोसेस है, आप कंट्रोल डब्ल्यू से इसको सेव कर दो। अगर आप देख पा रहे हो तो सारा जितने भी जो हम जो भी एंट्री करते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, वो सारे प्रोसेस वही है कि हमने डेट मेंशन किया, पार्टी का सिलेक्शन किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कंट्रोल टी करके उस कोटेशन को लोड कर दिया यहाँ पे, ताकि हमें मैनुअल नहीं डालना पड़े। खैर इसमें तो 2 ही आइटम है, हो सकता है कि आपके पास 100-100 आइटमों की कोटेशन जाती हो, 50-50 आइटम की कोटेशन जाती हो, तो उस टाइम पे 50-50 आइटम को सिलेक्ट करना, एंटर करना, तो मैनुअल प्रोसेस ही रह जाता है। अब ये सारा क्या ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है कि जो कोटेशन में आपने जनरेट किया वही आपने यहाँ लोड कर दिया, और जो रेट है, अब रेट भी आपको याद नहीं कि क्या थे, अब वो भी एक करके लोड करने पड़ते, तो आपने सीधा एज इट इज कोटेशन की सारी क्वांटिटी को यहाँ पे और रेट को लोड करा दिया कि जो भी हमने इनको रेट दिया है, जो भी डिस्काउंट दिया है, जो भी क्वांटिटी दी है, वो सब कुछ लोड हो जाए, तो सब कुछ लोड हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब अगर ऑर्डर लेते समय इन्होंने कोई कैश रिसीव दिया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेंशन करेंगे तो इनके लेजर में जो है पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आप इसे जनरेट कर देंगे, इसका जो इनवॉइस है सॉरी सेल ऑर्डर जो है वो जनरेट हो जाएगा, और फिर ये आप पार्टी को शेयर कर देंगे कि आपका जो है ऑर्डर प्रोसेस हो गया। अब ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद जो तीसरा स्टेप है, अब हम इसका अगर इनवॉइस जनरेट करेंगे तो इनवॉइस जनरेट के लिए भी क्या है ऑटोमेटिक ये लोड हो जाएगा। अब हम जाते हैं सेल में, सेल में बिल पे हमने क्लिक कर दिया और वही पार्टी जो है हमारी सेलेक्ट। अब सेल का जो है हमें कौन से सीरीज में बना के दे रहा है, तो आप सीरीज में सेलेक्ट करके किस पार्टी का है, और कैश में देना है क्रेडिट पे देना है वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्या रेट देना है रेट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब हमने सिलेक्ट पे गए, एंटर किया, और यहाँ पे भी आप स्पेस के बटन से सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी पार्टी के 2 ऑर्डर भी है, 3 चलान ऑर्डर, 3 चलान डिलीवरी भी है, तो एक साथ उसका इनवॉइस आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे भी आपके पास क्वांटिटी चेंज करने के लिए वही ऑप्शन है F2, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मैंने एंटर किया, सारी चीजें यही मेरे को लोड करनी है। अब सेल के टाइम पे आप इसको चाहते हैं कि डिस्काउंट दे दो, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। कौन सी डेट का इनका ऑर्डर था, कौन सी डेट का इनका चालान था, यहाँ पे मेंशन हो गया, क्या रेट दिया, क्या डिस्काउंट दिया। देखो यहाँ पे आपको 5% शो होता है, और जो भी इसका ग्रैंड टोटल है ग्रैंड टोटल भी आपको शो होगा। और फिर इसके साथ भी वही प्रोसेस है कि अगर इस सेल बिल को मॉडिफाई करना है, इस सेल बिल को डिलीट करना है, या इसका दोबारा से प्रिंट लेना है, तो आप सेल में जाएंगे और मॉडिफाई बिल पे क्लिक कर देंगे, और एंटर करके आप इसको कौन से सीरीज में कटा था, तो ये सीरीज WH में जनरेट हुआ था, और उसके बाद कौन सी पार्टी थी आपकी, सेम यही पार्टी थी। और फिर यहाँ पे सारे वो ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे जो अभी तक हम पीछे से सीखते हुए आ रहे हैं, और इस बिल में भी आपको शो होगा कि ये कौन से जो है डिलीवरी चालान से आपका लोड हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है आपको। अब इसके अंदर आपको डिस्काउंट नहीं देना है या फिर कोई रेट बढ़ाना है आपको, तो आप मॉडिफाई करके कर सकते हो, या दोबारा से प्रिंट लेना है तो दोबारा से प्रिंट ले सकते हो, कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका सेल ऑर्डर को जनरेट करने का।